सवारू ऑल टुडे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ देखिए इस तरीके का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये मल्टीपल है, आप कहीं भी अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से बना सकते हो। आप इसे वॉल हैंगिंग के लिए भी बना सकते हो, तोरण पट्टी बना सकते हो, पूजा घर के लिए तोरण पट्टी बना सकते हो, आसन या फिर मैट बनाने के लिए, टेबल मैट या कुछ भी बनाने के लिए आप इस तरीके की पट्टियाँ बनाकर उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये सिंपल बना के आपको दिखाई है। आप इसमें क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए मेरे पास इस तरीके का ये जो मेरा ये वाला जो आउटलाइन वाला बूल है उससे मैच करते हुए ये स्टोन मतलब जो फ्लैट वाले मोती आते हैं वो हैं। आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो। अगर आप तोरण पट्टी बना रहे हैं तो तोरण के लिए जो आप पोमपम का यूज करते हैं इस तरीके से इसको हैंग करने के लिए, तो आप उसमें जो मोती लगाना चाहें वो उसमें लगा सकते हो। क्रिएटिविटी आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से कर सकते हो। डिज़ाइन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना ना भूलना। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो को स्टेप बाई स्टेप फुल वॉच करना ताकि वीडियो आपको सब जल्दी से समझ में आए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा बना सकते हैं। सिर्फ मैंने इसको डिज़ाइन बनाना बताया है इसीलिए इसको छोटा बनाया है। और सबसे मेन चीज़ है इसमें इसमें आपको डबल क्रोशिए का बिल्कुल भी यूज नहीं है। आपने इसमें सिंगल क्रोशिए चैन और ट्रिपल क्रोशिए के साथ ही इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना होगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आपको हमारा डिज़ाइन और बताने का बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो मिलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए मैं दो कलर की ऊन का यूज कर रही हूँ जैसे कि आपने देख लिया है। तो हाँ यहाँ पर हम स्टार्टिंग पिंक कलर के वूल से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा वूल जो है वो थिक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने इस तरीके से सिंपल हमने स्लिप नॉट लगानी है और स्लिप नॉट लगाने के बाद हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चैन बनानी है। 4 चैन बनाने के बाद हम 2 टाइम अलवेटा लेंगे जिस तरीके से हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट वाला जो लूप था हमारे इसमें हमने पहले 2 निकालेंगे फिर 2 निकालेंगे फिर 2 निकालेंगे इस तरीके से ये लूप क्रिएट करेंगे। फिर अगेन 1 चैन बनाएंगे और इसको थोड़ा सा खींचेंगे। अब यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच आपको ज़्यादा हैवी नहीं बनाना, बस 3 टाइम बनाएंगे। तो हम 1, 2, 3 ये पफ स्टिच हो गया है। अब मैं सबको एक साथ निकालूंगी। अगेन यहाँ पर इस तरीके से एक क्रोशिया बना लूँगी। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। देखिए 1, 2, 3, 4 चैन बनाएंगे। अगेन हमने 2 टाइम 1 लिया और स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वाली चैन है हम उसमें इसको इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरीके से। तो अब आपने इसी तरीके से बनाना है। 1 टाइम आपने पफ बनाना है, इस तरीके से एक लूप बनाना है। इसी तरीके से आप जिसके लिए बना रहे हैं, अपने गेट के लिए, दरवाजे के लिए बना रहे हैं, पूजा घर के लिए बना रहे हैं, उससे आप मेजरमेंट कर लीजिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा बना के। गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इसको छोटा ही बनाया जिस तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है उस चीज़ का आपको ध्यान दीजिएगा। जितना बड़ा आप अपने दरवाजे या किसी चीज़ के लिए इसको बना रहे हैं, तोरण को या किसी चीज़ के लिए आप अपनी कोटी में बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं, वहां पर आपको ऑड नंबर रखना है। जिस तरीके से देखिए ये लूप है, ये आपको 2, 6, 2, 4, 6, 8 नहीं रखने हैं। ये आपको एक नंबर ज्यादा रखना है। आप 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 9 रख सकते हो, 11, 13, 15, 7 इस तरीके से आपको रखने हैं। तो यहां पर देखिए ये लूप आपको काउंट करने, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैंने यहाँ लूप बनाए हैं। अगेन यहाँ पर मैंने पफ स्टिच बना लिए जैसे कि मैंने इसमें बताया है। इसमें सिर्फ आपको ट्रिपल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया का ही वर्क करना होगा। तो अब मैं इस तरीके से 2 टाइम 1 लूँगी। अब यहाँ पर देखिए हम इस वाले लूप में वर्क करेंगे तो इसमें से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 टाइम 2 3 4 टोटल हमने इसमें 11 टाइम पफ स्टिच सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए मैं 11 टाइम बना के फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर
ये इस तरीके से मैंने 11 टाइम इसको बना लिया। अब क्या करना है, आपने कोई भी चेन नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है, आपको सिंपल इस वाले लूप में जाना है और यहाँ जाके आपको सिंगल क्रोशिया कर देना है इस तरीके से। अगेन 2 टाइम 1 लेंगे और हम इस वाले लूप में जाएंगे डायरेक्ट यहाँ से, और इस वाले लूप में हमने फिर से इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है 11 टाइम। तो देखिए बहुत इजी डिजाइन है ये, मेरे चैनल पर जो भी मैं अपलोड करती हूँ वो इजी से इजी ही डिजाइन अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि किसी को भी सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप हमसे कोई भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें भेजकर कमेंट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया है, 7 8 9 10 11। देखिए ये मेरा 11 हो गया है। इसी तरीके से अब देखो मैं यहाँ पर आपको जोड़ के दिखा देती हूँ, डायरेक्ट आपको इस वाले लूप में आना है और यहाँ पर आपको इसको सिंगल क्रोशिया कर देना। ध्यान रखिएगा स्लिप नॉट नहीं करना है, सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरीके से देखिए अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करा, यहाँ पर 11 टाइम बनाएंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ 11 टाइम बनाएंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया, यहाँ 11 टाइम बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये वाली रो को कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करते हैं, चलिए फिर दिखाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना लिए, 9 हमने लूप्स बनाए थे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 बन गए हैं। अब हम इसको टर्न करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे देखिए, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाएंगे और इसमें हम यहाँ जाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। हम 2 टाइम 1 लेंगे। अब जो इधर से हमने सिंगल क्रोशिया किया था जिस लूप में, अब उस लूप में हमने 11 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, इसीलिए हम इसको इवन नंबर नहीं ऑड नंबर में इसकी काउंटिंग करते हैं। देखिए 2 3 4 5, तो मैं इसको कर लेती। देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। जो इधर से हमने 11 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अगेन बोल लेंगे जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें 11 टाइम बनाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 11 टाइम बनाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ 11 टाइम, यहाँ सिंगल क्रोशिया, यहाँ 11 टाइम, यहाँ सिंगल क्रोशिया, इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से ये भी कंप्लीट किया है और अब ये लास्ट में आ गई हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पर हम आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम। देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन 1 2 3 4 की चेन बनाऊंगी, और जो स्टार्टिंग में यहाँ पर से हमने जो स्टार्ट किया था, जो पफ था हमारा, वहाँ पर हम इसको स्लिप नॉट कर देंगे इस तरीके से। एक चेन और बनाएंगे और इसको मैं यहीं की ही कट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा सा आप टाइट करेंगे इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर किस तरीके से बनाना है, आपने सेकंड कलर लेना है, जो भी कलर से आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरीके से, देखिए दोनों जो थ्रेड हैं इनको हम साथ के साथ कैरी करेंगे। आप चाहें तो कट कर सकते हैं, बट कैरी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए इस तरीके से 1 चैन लेंगे इस तरीके से, और चैन के ऊपर होकर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। अगेन 1 चैन लेंगे, फिर से चैन के ऊपर हमने चैन बनानी, सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगेन 1 चैन लेनी है और चैन के ऊपर से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से करते हुए हम देखिए, अब जो ये दिख रहे हैं अब मैं इनको कट कर दूंगी यहाँ से इस तरीके से। अगेन एक चैन लेनी है
और चैन के ऊपर होके हमने इस तरीके से ये चैन क्यों ले रहे हैं, चैन से क्या है खिंचाव नहीं पड़ेगा, जो भी गोलाई आएगी उसमें हेल्प होगी इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बहुत इजी है गाइस, मैं आपको सिंपल तरीके की डिजाइन ही लेकर आती हूँ आपके लिए। देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर जो, अब देखिए ये जो बीच में टू होल्स हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, यहाँ पर हमने थ्री थ्री टाइम, सॉरी मैंने बल ले लिया है, थ्री थ्री टाइम सिंगल क्रोशिया करनी है आपने इस तरीके से। ये वो है जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी, तो वो थोड़ा सा स्पेस आता है, वो वाला स्पेस है। अगेन हम नेक्स्ट लूप पर जाएंगे, वन चैन वन टाइम सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरीके से करते हुए हम पूरे में जाएंगे और यहाँ तक आते हैं। यहाँ पर देखिए जो जो चैन वाले लूप हैं ये और ये, यहाँ पर हमने थ्री थ्री टाइम सिंगल क्रोशिया करनी है। इसी तरीके से हम इसकी आउटलाइन बना लेते हैं पूरी। देखिए गाइस मैंने इस तरीके से इसकी आउटलाइन कर ली है। अब यहाँ पर जो फोर चैन हमने बनाई थी, देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर भी फोर चैन के अंडर किया है, और इस तरीके से यहाँ पर भी हम फोर चैन के अंदर सेम प्रोसेस से सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस तरीके से। वन चैन लूँगी जो स्टार्टिंग में चैन सिंगल क्रोशिया की थी, वहाँ पर मैं इसको इस तरीके से निकालते हुए वन चैन लेकर इसको मैं यहाँ से कट कर, इसको बाद में हम पीछे की तरफ इसको हाइड कर देंगे। देखिए इस तरीके से डिजाइन बनती है। यहाँ पर आप जो, अगर आप इसे अपनी तोरण के लिए बना रहे हैं तो तोरण लगाने के लिए जो मोती का यूज करें वहाँ पर इस तरीके से मोती लगा सकते हैं, नहीं तो प्लेन ही बहुत प्यारी लग सकती है। और अगर आप इसको टेबल मैट बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके की पट्टियाँ लगा लगा कर जोड़ के बना सकते हैं। तो आप इससे क्या देखना चाहते हो कमेंट करके बताना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और बताना ना भूलना कि वीडियो कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।